तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मार्केट में यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रहा है। यहाँ पे सभी बड़े बड़े चीज़ें जो है वो क्रिप्टो करेंसीज का यहाँ पे तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। XRP ने यहाँ पे लॉ सूट विन कर लिया, फिर यहाँ पे जो बड़े बड़े कंपनीज जो है, जो फॉर्म्स है वो यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं। माइकल सेलर यहाँ पे बिटकॉइन बाई कर रहे हैं, इलॉन मस्क जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन बाई कर रहे हैं। तो सभी के सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब कुछ दिन पहले 2022 का या 23 का बिगिनिंग में काफ़ी लोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से चले गए ये सोच के कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी सारे फंड आए, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से आया, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की तरफ से आया, SEC की तरफ से आया, तो इसके चलते जो है काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पे चले गए। अब डेफिनेटली ये लोग जो है वो पछता रहे हैं और पछताएंगे आने वाले टाइम में, जब यहाँ पे मार्केट में 10x, 20x, 30x का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो उन क्रिप्टो करेंसी से होगा आने वाले टाइम में। अब यहाँ पे SEC को लेके काफ़ी बड़ा बड़ा ये र्यूमर्स था कि यहाँ पे अगर जो XRP SEC के तरफ से यहाँ पे लॉसूट हार जाता है तो काफ़ी बड़ा हैम्पर जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में होगा, जो कि डेफिनेटली होने वाला था, जो कि हो सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे XRP ने यहाँ पे लॉसूट जो है वो जीत लिया। अब इसके चलते मार्केट में और भी सारे काफ़ी पॉजिटिविटी मार्केट में छाया हुआ है, मार्केट में लोग और भी ज़्यादा बुलिश हुए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है लोगों का ये आ रहा है, क्या हम यहाँ पे एंट्री कर ले? अब देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी पोजिशन, कोई सा भी वक्त जो है वो सही है आपके लिए। लेकिन आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए यहाँ पे एंट्री एग्जिट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो जोन है वो यहाँ पे 31,000 को यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, लेकिन 32,400 का लेवल जो है वो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का। उसको अगर क्रॉस करेगा तो मार्केट जो है वहाँ से एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। सभी के सभी चीज़ें जो है वो बिटकॉइन का पक्ष में है, तो अगर यहाँ पे लेवल जो है, मतलब जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 32,400 का, उसको अगर क्रॉस कर लेगा तो यहाँ पे एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। सभी के बड़े कंपनी जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की तरफ आ रहे हैं, तो इसीलिए चिंता करने का कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे देरी है। फंडामेंटली जितना भी स्ट्रॉन्ग कॉइन है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनमें आप एंट्री बना सकते हैं। अब मोस्टली यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉइन जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देंगे वो है मेटावर्स का दोनों कॉइन, सैंडबॉक्स और माना डिसेंटरलैंड। ये दोनों कॉइन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही अंडरवैल्यूड कॉइन है। ये आने वाले टाइम में इतना धमाका मचाएंगे, इतना तबाही मचाएंगे जो कि आपने कभी सोचा ना होगा। XRP के बारे में मैंने काफ़ी पहले काफ़ी बड़ा चीज़ें जो है वो बताया था कि क्या हो सकता है, क्या होगा, और जाहिर सी बातें और भी यूट्यूबर्स ने बताया, तो मैंने भी बताया, मैंने भी एनालिसिस किया, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साबित हुआ। वो कॉमन सी बात था, जाहिर सी बात था क्या होगा अगर लॉसूट जीत जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या XRP में एंट्री बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी वक्त जो है वो सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए XRP पे एंट्री बनाना चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, मतलब $0.62 या $6 के आसपास जब आएगा तब आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट जो है वो देखने को मिलेगा। अब क्या यहाँ पे बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है? नहीं, बुल रन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बुल रन के लिए तैयारी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो न्यूज़ आना है, जो चीज़ें होगा वो यहाँ पे तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बुल रन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ, बुल रन स्टार्ट होगा हल्विंग के बाद मार्केट में, ये चीज़ आप फोकस कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपको देना था। ये दोनों कॉइन आप यहाँ पे माइन करके रखना, देख के रखना उनको, सैंडबॉक्स और माना, काफ़ी अच्छा कॉइन है, काफ़ी पोटेंशियल यहाँ पे मार्केट में दिखा सकते हैं। और एक कॉइन जो है वो पेपे कॉइन। देखिए, पेपे कॉइन का यहाँ पे पीछे कोई बेस नहीं है, लेकिन फिर भी पेपे कॉइन को यहाँ पे बुल मार्केट नहीं मिला, ये चीज़ गौर करने वाला बात है। पेपे मार्केट ने यहाँ पे बुल मार्केट नहीं देखा। आने वाले टाइम में अगर पेपे कॉइन टिक जाता है मार्केट में तो जब बुल मार्केट आएगा पेपे कॉइन बहुत बड़ा यहाँ पे पंप दिलाएगा। लेकिन जब बुल मार्केट आएगा तब पंप देगा, साथ ही साथ उतना बड़ा डंप भी होगा, तो आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए मार्केट में जब भी पेपे कॉइन आएगा। अभी इन्वेस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा होल्ड कीजिए। जब और भी चीज़ें यहाँ पे हल्विंग का जितना करीब जाएंगे हम, आप उतना जो है मार्केट इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। तो पेपे कॉइन का भी ऊपर आप नजर रखिएगा, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं। मैं अच्छा कॉइन या कॉइन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट जो है वो आप उससे कमा सकते हैं, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।